नगर निकाय चुनाव को लेकर तीसरे दिन मंगलवार को 4 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया। बीते शनिवार व सोमवार को किसी भी अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। कयास लगाया जा रहा था कि मंगलवार को प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं, क्योंकि कम अवधि में अधिसूचना जारी होने के कारण सभी पदों के प्रत्याशी अपना दस्तावेज तैयारी करने में जुटे हैं, जिसमें मंगलवार को 4 संभावित प्रत्याशी ने अपने नामांकन आवेदन के साथ सदर अनुमंडल कार्यालय में उपस्थित हुए और अपना नामांकन कराया। मुख्य पार्षद पद के नामांकन के लिए पहला खाता खोलते हुए निवर्तमान मुख्य पार्षद रितेश कुमार राय ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया, तो वहीं वार्ड नंबर 15 से नगर पार्षद पद के लिए अरुणा देवी, वार्ड नंबर 16 से नगर पार्षद पद के लिए मीना देवी हुआ, वार्ड नंबर 23 से नगर पार्षद पद के लिए सुमित कुमार सुमन ने अपना नामांकन दाखिल किया। सर्वप्रथम निवर्तमान मुख्य पार्षद के कार्यकाल में मैंने जिस विकास को नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत धरातल पर उतारा है, वो अररिया नगर परिषद में के इतिहास में, आज तक के इतिहास में वो सर्वाधिक और स्वर्णिम है। इससे पूर्व कभी भी इतना विकास कार्य को धरातल पर नहीं उतारा गया, जबकि अररिया नगर परिषद की स्थापना 1967 में हुई। 67 से अब तक का जो इसका डेवलपमेंट के इतिहास को आप देखिएगा तो हमारे साथ में बहुत सारी बाधाएँ रही। जब मैं मुख्य पार्षद पर बना तो लगातार 2 बार अविश्वास को भी मैंने झेला, और कोविड में जो है क्या कहते हैं, पूरा देश लगभग 1.5 साल से 2 साल तक लॉकडाउन की स्थिति में रहा। अनेकों बार चुनाव का भी उपचुनाव का दौर चलता रहा। इतनी सारी बाधाएं होने के बावजूद भी मैंने पूरे सीमांचल जोन के सभी निकायों में से सबसे ज़्यादा अधिक विकास जो है अररिया नगर परिषद को धरातल में उतरवाने का कार्य किया है, और मैं अपने नगरवासियों को इस विकास के लिए, आने वाले समय के लिए, इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनका प्यार, मुझे यकीन है कि उनका प्यार, भरपूर प्यार मुझे प्राप्त होगा, उनका समर्थन मुझे प्राप्त होगा, और मैं अररिया नगर परिषद को पूरे सीमांचल का मॉडल नगर परिषद के रूप में विकसित करते हुए इसको प्रारूप के रूप में खड़ा करूँगा। इस बार कितना चुनौती है जी, इस बार कितना चुनौती लग रहा आपको? चुनौती मुझे कुछ नहीं लग रही है, चूंकि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में, और मैं पूर्ण आत्मविश्वास से लवरेज हूं। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि जनता का समर्थन, विश्वास और आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? पहले भी आप वार्ड पार्षद रहे हैं, मेरा मुद्दा तो सफाई, विकास, अच्छा काम, शहर में सबसे अच्छा वार्ड हो, नाला की निकासी अच्छा हो, रोड अच्छे हो, स्ट्रीट लाइट बढ़िया हो। वार्ड पार्षद का जो काम है, लोगों को मिला जुला के वार्ड में अच्छे सामंजस्य से चलना, सद्भाव बना के रखना, इन्हीं मुद्दों के साथ आगे के लिए हम आगे प्रयास करते हैं। क्या नाम है? सुमित कुमार सुमन, वार्ड पार्षद प्रत्याशी। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी,